और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से बता दें, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दो दिन तक चली लंबी जद्दोजहद के बाद शनिवार को कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला लिया। आज दोपहर 1:30 बजे सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। और अब आपको हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन से पहले की तीन तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आज दोपहर करीबन 1:30 बजे सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। और सीएम पद के नाम का ऐलान होते ही जैसे ही सुखविंदर सिंह शिमला में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोश से लबरेज कार्यकर्ताओं ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को कंधों पर बिठा लिया और पार्टी दफ्तर में जमकर ढोल नगाड़ों के साथ सुक्खू के समर्थन में नारेबाजी की। समर्थकों के जोश को देखकर सुक्खू भी खुद को रोक नहीं पाए और ढोल की थाप पर झूम उठे। इस दौरान सुक्खू ने समर्थकों का धन्यवाद दिया, साथ ही उन्हें आज होने वाले शपथ ग्रहण के लिए न्योता दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अगले जो शपथ ग्रहण समारोह के अगले 10 दिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमारा ऑफिस खुला रहेगा। आज दोपहर 1:30 बजे सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधायक दल का नेता चुना, जिसकी जानकारी शिमला में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक के बाद दी गई। कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सुखविंदर सुक्खू के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही आलाकमान ने मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। शपथ ग्रहण के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला पहुंच रहे हैं। आज सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ही शपथ दिलाई जाएगी। अभी हम कुछ मंत्रियों को ही शपथ करेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह के नाम का ऐलान होते ही विधायकों ने उन्हें बधाई दी। सुक्खू को विधायक दल का नेता बनाए जाने पर वो भावुक हो गए, हालांकि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का वादा जरूर किया। सभी लोगों के साथ मैं हूँ, सभी लोगों का दिल जीतने की मैं कोशिश करूँगा। सुखविंदर विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ सीएम आवास पहुंचे और कार्यवाहक सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात भी की। जयराम ठाकुर ने उन्हें नए सीएम बनने के लिए शुभकामनाएं दी। ये शिष्टाचार की भेंट है और मेरे यहाँ निवास पर आए हैं, जो कुछ दिनों के बाद इनका निवास होने वाला, मैं इनका स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुक्खू के नाम का ऐलान होने के बाद अब हर किसी की नजर शिमला रीज पर टिक गई है, जहां प्रदेश के नए मुखिया अपने डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेंगे।